तो हेलो गाइस, आज मेरे लिए एक स्पेशल दिन है। दिन तो ये कल ही हो गया था, मगर मैं आज अपनी खुशी आपसे बांटना चाहती हूँ। तो आप लोग ही हैं जो मैं इस खुशी को हासिल कर सकी हूँ आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो प्लीज़ आज का तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, मेरा ब्लॉग ज़रूर देखना, क्योंकि हर यूट्यूबर का एक सपना होता है ये दिन के लिए और इस चीज़ के लिए। जो मेरा सपना पूरा हुआ है तो मैं आपको दिखाऊं कि देखिए, आज मेरा गूगल पिन आया है। आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि ये मैं फ्रंट से बना रही हूँ, तो ये मेरा गूगल पिन आया है और ये मुझे कल ही रिसीव हो गया था। तो कल कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने नहीं बनाया, तो आज इसका वीडियो बना रही हूँ। तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया आप लोग की वजह से, खुदा के करम की वजह से, और मेरे माँ बाप की दुआएं बहुत ज़रूरी है इसमें। जो मेरी माँ बाप ने मुझे दिन रात दुआएं दी हैं कि अल्लाह तुझे सफलता हासिल दे, और मेरे शौहर का सपोर्ट, और मैंने आप मेरी सब्सक्राइब मेरी यूट्यूब फैमिली। तो मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची हूँ। टाइम नहीं लगा ज़्यादा पहुँचने के लिए, मगर फिर भी बहुत कठिन रास्ता है। किसी किसी को बहुत देर लग जाती है इसमें पहुँचने में, मगर मुझे इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे जल्दी दे दिया। तो मैं अपनी शुरुआत आपको अगर मैं बताऊं, तो मैं इसके बारे में यूट्यूब के बारे में ABCD भी नहीं जानती थी कि यूट्यूब क्या होता है क्या नहीं होता है। खाली बस देखती भी नहीं थी, मैं यूट्यूब को यूज़ ही नहीं करती थी। कभी कभी तो मैंने इसको अनइंस्टॉल करने की भी सोची कि मैं देखती नहीं हूँ तो इस ऐप को मैं डिलीट मार देती हूँ, मगर ये मुझे बाद में पता चला कि अनइंस्टॉल नहीं होता है। तो फिर मैंने रहने दिया, साले हो गए टच मोबाइल मुझे यूज़ करते हुए, मगर अब जाके इसकी अहमियत समझ में आई क्या बहुत ज़रूरी है ये। क्योंकि इसकी शुरुआत मैं बताऊँ तो आपको ऐसे हुई थी, आज से 2 साल 1.5 साल पहले की बात है। मेरी बहन है, छोटी है मुझसे, तो उसने शुरुआत करी थी। उसने बोली थी, बाजी अब हम भी यूट्यूब पे मतलब बनाते हैं, अपना चैनल चलाते हैं। तो मैं बोली, कहाँ तू ये सब झंझट में पड़ रही है, ये सब हमारे काम नहीं है, हमें तुम्हें तो कुछ आता जाता है नहीं। तो बोली, नहीं बाजी करके देखते हैं, सब लोग तो करते हैं, क्या है, वीडियो तो डालना है, वीडियो डालना है और बस पैसे आ जाएंगे। तो मैंने कहा, देख ले तू ट्राई करके, मेरे को तो इंटरेस्ट नहीं है इसमें। मगर उसने चलाया चैनल, उसने रेसिपी अपनी डाली, मेरे ख्याल से उसको 2-2.5 साल हो गए, मगर उसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, कुछ ऐसे ही 150, 200 या 250 के रह गए। फिर अचानक मेरे दिल में पिछले साल ख्याल आया, तो चलो मैं भी देख लेती हूँ। जब ये कर रही थी तो कहते ना, एक को देख के दूसरे को भी जज्बा पैदा होता है, चाहत होती है। तो मैंने कहा, मैं भी खाली हूँ, वैली हूँ, तो चलो मैं भी वैलेपन में क्या कर रही हूँ, घर का ही तो काम है, इसी को तो डालना है, करते हैं। तो पिछले साल मैंने भी खोला अपना चैनल, मगर मेरे चैनल 1 साल मैंने वो चलाया, उस पर मुझे 263 ही सब्सक्राइबर आए थे, सब्सक्राइबर ही नहीं आ रहे थे। और मैंने कम से कम वीडियो मैंने कुछ 400-500 के करीब डाल दी थी। धीरे धीरे मेरा भी इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा था, मगर मैं फिर भी डालती रहती थी। तो मेरे हस्बैंड ने एक दिन मुझे आए और मुझे उठाया सुबह में, बोले ले मैंने तेरे लिए नया फ़ोन लिया रियलमी का। तो मैंने वो फ़ोन लिया, मैं मुंबई गई अपने मायके। तो मैंने क्या करा, जो मेरे पास मेरा पुराना फ़ोन था जो मेरे भाई ने गिफ्ट करा था, वो भी रियलमी का था, मगर वो ओल्ड हो गया था, 1 साल पुराना। तो मैंने अपनी भाभी से कहा, ये मुझे सब तो काम आते नहीं है, ऐसा कर मेरे जो भी सब कुछ है, मेरे चैनल वैनल जो भी है, मेरा डेटा, मेरी स्टोरेज है ना, मेरी नए वाले मोबाइल में सेट कर दे और ये पुराना वाला मोबाइल में साइड में रख देती हूँ। तो उसने क्या करा, सब कुछ सही कर दिया, मगर जैसे ही चैनल की बारी आई ना यूट्यूब की, तो वो उससे डिलीट हो गया। तो मेरी भाभी बोली, बाजी तुम्हारा चैनल तो डिलीट हो गया। तो उसको डर लगा शायद मैं उसे चिल्लाऊंगी, मगर पता नहीं उस टाइम मेरे दिल में एकदम ख्याल आया, जान दे डिलीट हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, क्या पता अल्लाह इससे बेहतर चाहता हो, दोबारा ट्राई करेंगे, तू टेंशन ना ले। और ये इसी साल की बात है, जनवरी की 2024 की मेरा डिलेट हो गया था चैनल। तो फिर मैंने कुछ जनवरी फरवरी में मैंने दोबारा शुरू किया, ज़ीरो से फिर से शुरू किया मैंने, और मेरे मुँह से निकली बात अल्लाह ने पूरी करी। क्योंकि अल्लाह जब हमसे कुछ लेता है ना, तो वो उससे बेहतर ही देता है। ये वाकई में मेरा है और ये मेरे साथ भी हो गया।
तो मैंने जनवरी में करा चालू, और इसका आप रिज़ल्ट देख रहे हो कि सितंबर की 6 तारीख को मेरे को गूगल पिन आ गया। कितने कम वक्त में मेरे साथ ये हो गया। हालांकि ये मुझे 2-3 महीने ही पहले आ जाना चाहिए था, मगर मेरे चैनल पे रिव्यूज़ कंटेंट लग गया था, तो उसकी वजह से ये लेट हो गया। मगर अल्लाह का शुक्र है कि मैं कामयाब हो गई। बस एक कदम और दूर हूँ मैं अपने कमाई से। बस मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकती इसकी खुशी, मैं आपसे बयान नहीं कर सकती हूँ। मगर हाँ, माँ बाप की बिना दुआओं के, आपके बिना सपोर्ट के और शौहर के बिना साथ के ये पूरा नहीं हो सकता था। तो ये सब आप लोगों ने, सबने मिलकर पूरा किया है। अगर आपको आगे मेरे से कोई जानकारी चाहिए, क्योंकि मैं YouTube के बारे में अब काफ़ी हद तक जान चुकी हूँ, कॉपीराइट का, अल्टर्ड वीडियो का, और ये रिव्यूज़ कंटेंट को हटाना, बहुत कुछ मैं जान चुकी हूँ। तो अगर आपको कोई भी सवाल जवाब अगर मुझसे करना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, और मुझसे मेरे कमेंट में मुझसे सवाल कर सकते हो आप। तो खुशियाँ बांटने का तो ये है कि मैं कितना ही बड़ा वीडियो बना दूँ, मगर खुशियाँ तो ख़त्म नहीं होंगी मेरी, और बढ़ती ही जाएंगी। तो इसको अब मैं फिल करती हूँ, ये मैं फिल कर दूँगी अब इंशाअल्लाह। देखो कब से मेरी कमाई भी चालू हो जाएगी। सब मुझसे यही कहते थे कि तुम कुछ कर ही नहीं पाओगी। मेरा भी यही था, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। सब काम करती थी लेडीज़ ने देख देख के, तो मैं बोलती थी यार मेरे अंदर कोई हुनर नहीं है, मेरे अंदर कोई वो नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं भी अपने शौहर का थोड़ा सपोर्ट करूँ। आज की दुनिया में एक की कमाई से तो पूरा पड़ता है नहीं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर पूरा डालते हैं, हमें हर चीज़ ज़रूरत की देते हैं, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। बस फिर भी एक रहता है ना कि अपना भी कुछ होना चाहिए ज़िंदगी में, पता नहीं अचानक, कहते हैं ना तुम वहाँ से भी नहीं सोच सकते जहाँ से अल्लाह दे देता है। तो मैंने कभी नहीं सोचा था, जिसको मैं इंस्टॉल करना चाहती थी ऐप को, आज वो मेरी ज़िंदगी में इतनी अहमियत रखेगा और मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो और ये मेरी खुशी का वीडियो अच्छा लगा हो गूगल पिन का, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब भी करना, और कोई सवाल आपके दिल में हो तो ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।